खाना देने के बहाने ये लेक जो है वो ये काफ़ी गंदा हो रहा है। काफ़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेक का पानी जो है किनारे किनारे इतना गंदा हुआ पड़ा है। तो भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे काम मत कीजिए। ये आपका दरगाह जो है बहुत फेमस दरगाह है, यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग अपनी मन की मुरादें लेके आते हैं ताकि उनकी जो जीवन में जो कठिनाई है या फिर उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उनकी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो। तो ऐसे काम मत करो भाई, अल्लाह ताला आपको सुखी रखे। तो ये अपने आप में बहुत रिच है अपने वाइल्ड लाइफ में। तो राजस्थान में इतना बड़ा लेक होना, पहाड़ आपको दिख गए, तो ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड है हम लोगों के लिए। इन सब जगह का और अच्छे से लुत्फ उठाने के लिए हमें और एक कदम बढ़ाना है, वो है सफाई, और कुछ नहीं। अच्छा, बंगाल के आप लोग? बंगाल कहाँ से? তোমারে কাজের জন্য এসেছিলেন? হ্যাঁ, এখানে এসেছিলেন, রাজস্থানে কেন এসেছিলেন, আর অন্য জায়গায় পাননি? ওই গরিমনাথ, গরিমনাথ বলে আচ্ছা এখানে এসেছিলেন। এখান থেকে আর কেউ কাছে যাই? আপনি এখানে একা? হ্যাঁ, আমি বেটির কাছে যাই। বেটি এখানেই থাকে নাকি? না, ওই মানে মালদায়। তো এখানে কি আপনার আরো অনেক লোকে থাকে? অনেক বাঙালি, অনেক প্রচুর বাঙালি আছে। আরে তারাগর কা হে কে বাঙাল থেকে হঠাৎ করে এইখানে কেন? হ্যাঁ, বাবা টানিছে রে বাবা। আচ্ছা, মানে আল্লাহর ঋষি এখানে চলে এসেছে? হ্যাঁ, এখানে তো রাস্তা বই। আচ্ছা, টুড়া টুড়ি মিলে হ্যাঁ খা করো, মানে ভিক্ষা করেন, ওই দিয়ে যা হয় ওই দিয়ে ভাড়া করা চলে। হ্যাঁ, ভাড়া করা চলে আর খানা পিনা চলে। খানা পিনা চলে। তো এখন খাওয়া দাওয়া কি করে চলছে ওদের? পোলা চালায়, মানে বড় পোলা চালায়। হ্যাঁ, বড় পোলা। আসামে কোনে থাকো? যমুনা মুখ। আচ্ছা, চাসান থেকে খালি ভিক্ষা করতে এত দূরে? আরে জিয়ারত করতাম, আইছি আল্লাহ রুকুম হইছে, পাগল হইছে কোন ভালো। এখানে নাকি বলে যে এখানে নাকি মন্নাত মাংলে একদম পুরো মানে হয়, সত্যি সত্যি পুরো সত্যি পুরো সত্যি পুরো হয়? আমার একটা ভাই দুতের বউ, হুম, 8 বছর হইছে, ফুলা মান হইছে না, এইনো বাবার দরবার আইয়া মন্নাত মাংছে, মন্নাত মাংিয়া সের একটা সিরিয়ে ফেলছে। তাই তাই দেখো আল্লাহ। আর এখানে কোথায় থাকো? এই যে তারাগড় ফোর্টে। तारागढ़ फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट अब खाली नाम ही रह गया है। फोर्ट के अंदर का कुछ रहा नहीं, फोर्ट पूरा टूटा फूटा है, ये मेरे को यहाँ आके पता चला। फोर्ट का जो है अभी थोड़ा सा जो आउटलाइन है यही आपको दिखेगा, ये है आपका बाउंड्री वॉल जो अभी खाली इतना ही है। बाकी मैंने फोर्ट जैसे क्या जैसलमेर फोर्ट है उसमें क्या आप अंदर जाएंगे किलाए हैं, घर है, राजा का महल, रानी का महल, ऐसा कुछ है, पर ये पूरा टूटा हुआ है, ये आपका मतलब मेंटेन नहीं है। यहाँ फेमस है खाली दो चीज़ों के लिए, यहाँ दो मस्जिद है
ये खाली मस्जिद भी वही है, खाली मतलब जिनके निकाह में विलम्ब हो रही है या फिर जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो यहाँ आते हैं अल्लाह से दुआ मांगने की, ताकि उनका निकाह हो जाए जल्दी से जल्दी। अगर जो निकाह हुए पड़े हैं उनका बच्चा नहीं हो रहा है तो उनके लिए खास करके ये दरगाह है। बाकी ये जगह इतनी सुंदर है ना, ये बहुत अनटच्ड जगह है, और ये जगह को मैं बोलूँगा कि ख़राब करके रखा हुआ है। ये जगह पर कोई आता ही नहीं है, और यही एक जगह है जहाँ से मैंने देखा कि ये आउटलाइंस आपको दिख जाएंगे। अगर आपको थोड़ा रास्ता तो है नहीं, आपको थोड़ा पत्थर पत्थर से अगर आप जाते हैं तो आपको वो सीढ़ियाँ, वो पुरानी सीढ़ियाँ, वो देख के पता चल रहा है कि वो आउटलाइन जो है वो पुराने ज़माने के। यहाँ के ये दीवारें कुछ इस तरह है, ये सब जो आपको दीवार के बीच में से जो आपको छेद दिख रहे हैं ये सब देखने के लिए था कि दुश्मन कहाँ से आ रहा है या फिर दुश्मन कितनी दूर है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें ना बहुत से राज छुपे हुए हैं। ये खाली दफना दिया गया है, पर ऐसा दफनाया जाना नहीं चाहिए था। ये देखिए यहाँ के अभी भी बहुत सारे लिखे पुराने लिखे हुए चीज़ मिलेंगे। अभी तो खैर अभी नया नया सब बिगाड़ दिया गया इसको, पर इसमें से हर एक में से एक छेद है। ये छेद में से यहाँ के लोग जो है, मतलब जो आर्मी थे वो उस समय के, वो देखा करते थे कि मतलब हमारे दुश्मन जो है वो कितने आगे आ चुके हैं, और यहीं से गोला बारूद या फिर जो तोप थे उस समय के वो यहाँ से प्रहार करते थे। और यहाँ से ये जगह इसलिए बनाया गया है ना ताकि यहाँ से पूरा अजमेर शहर दिखता है। ये थोड़ा ऊँचाई में है, एक पहाड़ी में बनाया हुआ है ताकि यहाँ से आपको पूरा चीज़ दिखे। तो ये आप अगर हाथ में थोड़ा टाइम लेके आते हैं तो आप ये सब एक्सप्लोर कर पाएंगे या फिर आप देख पाएंगे, नहीं तो आप अगर किसी के पल्ले में पड़ गए, जैसे कि मतलब गाड़ी वाला, मतलब तड़ागढ़ फोर्ट के लिए आओगे उस समय भी आपको गाड़ी वाला परेशान करके रखेगा, आप चलिए इतना ये है, ये पैसा, ये पैसा, आपको सब कुछ इग्नोर करके अपने दिमाग को शांत रख के आना है। और जाते वक्त बस खाली आप मस्जिद से बाहर निकलोगे तब से ही शुरू हो जाएगा, भैया चलो नीचे जाना, नीचे जाना है। ये सब कोई देखने ही नहीं देता है, ये सब कोई देखने ही नहीं देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई बताएगा भी नहीं आपको। मेरे मन में एक ये हुआ कि चलो आसपास देखते हैं, क्योंकि जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था तो देख रहा था कि वो फोर्ट के दीवार वगैरह बाहर से है, तो अभी मुझे पता चला कि फोर्ट के खाली दीवार ही है और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ टूट गया, बस खाली ये सब आपके आउटलाइंस जो आपको दिख रहे हैं यही है, पूरा यही है। अगर आप वहाँ तक जा सकते हो तो जा सकते हैं, पर कोई है नहीं, क्या है सामने कुछ पता नहीं। और वहाँ पे शायद एक बाबा बैठे हुए हैं, कुछ मौलवी वगैरह कुछ नहीं है, एक बाबा बैठे हुए हैं वहाँ पे, मेरे को दिख रहा है वो कुछ अपना काम कर रहे होंगे। तो काफ़ी जगह बहुत अच्छा है, पहाड़ी के ऊपर है, और राजस्थान में माउंट आबू छोड़ के भी भाई पहाड़ है, ये मेरे को पता चला यहाँ पे आके, यहाँ ये जगह एक्सप्लोर करना इसी को कहते हैं। अब अनटच्ड जगह पे, अननोन जगह पे जाते हो इसी को एक्सप्लोर कहते हैं। अब शहर से घूम के चले गए, कुछ जानी मानी चीज़ों को देख के चले गए वो अलग बात है, पर तारागढ़ फोर्ट कुछ ऐसा है ना कि ये मतलब कुछ मिस्ट्री है इसमें, मेरे को तो पता नहीं है। अब जाके मैं थोड़ा देखूंगा, रिसर्च करूंगा इसके बारे में, तारागढ़ फोर्ट में क्या है जो ये मतलब अबेंडेंट पड़ा हुआ है ऐसे ही ये, और ये क्यों पड़ा हुआ है, कौन से शताब्दी में ये हुआ है, और इसको क्यों नहीं मेंटेन किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, मैं इसको लेके थोड़ा चर्चा करूंगा और थोड़ा मतलब खोजने की कोशिश करूंगा। पर जगह मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत जगह है, आप आके यहाँ पे बैठ सकते हो ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर फिर भी देखते अब नीचे जाने का क्या है। मेरे को पैदल जाने का मन कर रहा था पर बहुत ज़्यादा है, मतलब उतना दूर पैदल चलना मुमकिन नहीं है। तो बूंदी का किला 1426 फीट ऊंचा अरावली पर्वत पर बना हुआ है। मेवाड़ के कुंवर पृथ्वी ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इस किले का पुनः निर्माण करवाया था, उसके बाद से ही यह किला तारागढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर उससे पहले कर्नल ताड के मुताबिक अजमेर नगर के संस्थापक अजय राज ने इस किले का निर्माण करवाया था। किले के बारे में पता लगाते हुए पता चला कि वहाँ कई सारे तोप और 3 मानव निर्मित तालाब भी स्थित थे, जो कि उन दिनों पानी के समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था, पर मुझे इसमें से एक भी नहीं दिखा। इतिहास के पन्नों तथा इंटरनेट में भी कई जगह इसके बर्बाद होने का जिक्र किया गया है, लेकिन फिर भी इस किले का कोई मरम्मत नहीं की गई। अगर आप में से कोई इसके बारे में विस्तार से जानते हो तो कमेंट सेक्शन अपना समझ के लिख डालो। ब्रिसलरी गजब कॉपी मारा, लेकिन समोसा चाट 10 रुपए में। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है यही समाप्त करते हैं आज के दिन के साथ साथ। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।